नमस्कार दोस्तों, गोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। टिकटॉक स्टार से भाजपा की नेता बनी सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। सोनाली फोगाट ने 2019 में भाजपा के टिकट से आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इसके अलावा वे टिकटॉक वीडियो के कारण भी काफी चर्चा में रही थी। सोनाली फोगाट बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं। सोनाली फोगाट का जन्म हरियाणा के हिसार में सितंबर 1979 को हुआ था। उन्होंने हिसार के ही विद्या देवी जिंदल स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की। सोनाली फोगाट के पति का निधन कुछ साल पहले ही हो चुका है। सोनाली फोगाट साल 2006 में दूरदर्शन के एक हरियाणवी टीवी कार्यक्रम में नजर आई थी। उसके बाद उन्हें बतौर एंकर अपने करियर की शुरुआत की। हिसार में जन्मी सोनाली फोगाट अपनी बेटी के साथ हिसार के संत नगर में रहती है। यहाँ उनका शानदार घर है। सोनाली फोगाट के पास एक फ्लैट और एक प्लॉट भी है। नोएडा के सेक्टर 52 में सोनाली का एक फ्लैट है, जबकि हिसार के गांव में गंगवा में 117 गज का प्लॉट है। इसके अलावा सोनाली के पास काले रंग की महिंद्रा एक्सयूवी कार है। चुनाव शपथ पत्र में सोनाली फोगाट ने व्यवसाय में एक्टिंग और कृषि बताया था। जानकारी के मुताबिक सोनाली फोगाट एक फिल्म के लिए 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करती है। वहीं बिग बॉस के प्रति एपिसोड उन्होंने 80,000 रुपए वसूले थे। भाजपा नेता सोनाली फोगाट करोड़ों की संपत्ति की मालकिन थी। 2019 चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए अपने शपथ पत्र में सोनाली फोगाट ने खुद की 25,61,000 रुपए की चल और 2,48,50,000 रुपए की अचल संपत्ति बताई थी।